सब जा चुके हैं तो स्टोरी सुनना ज्यादा पसंद नहीं लोगों को। अच्छा, हम सबकी लव स्टोरी होती है ना, आपकी है, आपकी है और आपकी भी हम पीछे बैठे हुए हैं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्टोरी है। पता है ये स्टोरी ना एक चॉकलेट और रैपर की है। एक बार एक रैपर को चॉकलेट से प्यार हो गया। अब रैपर बहुत दुविधा में था, क्या करे। रैपर को समझ नहीं आ रहा। रैपर ने बड़ी हिम्मत जुटाई, अपने दोस्त से बात की, कहा व्हाइट शर्ट भाई चॉकलेट से प्यार हो गया है, अभी क्या बकवास कर रहा है, मुझे पता है अगर वो 100 रुपए की है ना तो तेरी कीमत से कुछ पैसों की है, भूल जाते जो अपने औकात नहीं होती उनसे प्यार नहीं करते पकड़े। तो रैपर को बहुत खराब लगा। रैपर समझ नहीं पाता क्या करे। उसका आदमी भी उसका दोस्त था, वो भी उसको धोखा दे चुका था। फिर रैपर ने बड़ी हिम्मत जुटाई और चॉकलेट के पास गया, चॉकलेट से कहा चॉकलेट, हाँ बोलो रैपर, तो देखो यार तुम गलत मत समझना, पर पता नहीं कब तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे प्यार हो गया। क्या क्या प्यार हो गया? हाँ तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मुझसे कोई और प्यार करता है, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, उसे तुम्हें खाना चाहता है। अरे नहीं, उसने कहा है मुझे, ठीक है उसने, मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। अरे तुम्हारा प्यार प्यार नहीं है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। पर क्या हाँ, पर मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, वाह रैपर वाह, अब एहसान गिना रहे हो। उसके बाद रैपर ने अपने आंसुओं को समेटा और चुप हो गया ताकि चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए। और एक दिन आई लव यू कहने वाले ने रैपर को फेंक दिया और चॉकलेट को खा गया। अगर आप किसी के प्यार की कदर नहीं कर सकते, कम से कम उसकी इज्जत ना करें। थैंक यू।